Hello everyone, are we live? Are we guys live? Just एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे. Yes. A very good evening and warm welcome from the whole CS Katatia team. मैं हूँ सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम चालू करने वाले हैं, रादर कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ. सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप मुझे जल्दी से एक बार माइक चेक करके बता दोगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, आर वी गुड टू गो? एक बार जीटीजी लिख देंगे, और अगर जीटीजी नहीं लिखना तो वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से. यस यस So should I start with the session? Okay, you guys, let's start with chapter number first. Chapter 1, 2, 3 मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी. Chapter 1, 2 and 3 are very important chapters, especially with respect to presentation and communication skills. Presentation, communication skills जो कि current affairs के साथ आता है और 30 marks का होता है. ठीक है, ये इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस, या आई वुड से ज्यादातर क्वेश्चंस ये चैप्टर 1, 2 और 3 में से ही पूछे जाते हैं. सो नाउ लेट्स क्विकली गिव अ रीकैप कि हम लोगों ने कल वाले क्लास में क्या क्या देखा था. एंड आई जस्ट होप कि आज का प्रॉमिस आपको याद है. आज हम कितनी देर पढ़ने वाले हैं? बहुत सारी देर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अच्छा. और मॉनिटर हमारे क्लास के कह रहे हैं कि गाइस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपनी अटेंडेंस दे देंगे. थैंक यू सो मच मॉनिटर. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास. हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी लैंग्वेज एक ग्रामर सेट ऑफ रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है. जैसे कि इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो सबसे बेसिक है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. 8 टाइप के: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह. और ये सारे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम लोगों ने बस कल देखे थे. उसके बाद हमने आर्टिकल्स देखे थे, ए, एन और द. उसके बाद हमने टेंसेस देखे थे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस. उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, लूज सेंटेंस, पीरियोडिक सेंटेंस, शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंस. यस, अब आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज ऑन पेज नंबर 21, प्रीफिक्स. आज जो हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स. जब आप यहां पर आप लिख लोगे, जब आप कोई भी शब्द के आगे, जब आप कोई भी शब्द के आगे एक छोटा सा शब्द लगा देते हो, उसे प्रीफिक्स कहा जाता है. प्री का मतलब है पहले, तो कोई भी शब्द के पहले, शब्द के पहले एक और शब्द लगा देते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स. यस, सो इट इज द एफिक्सेशन और एडिशन टू द मेन वर्ड. जो हम पहले लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहा जाता है. बहुत सारे ग्रुप्स है प्रीफिक्स के, बहुत सारे टाइप्स है बेसिकली, जैसे कि सपोर्टिव प्रीफिक्स, अपोजिंग प्रीफिक्स. दीदी क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं, लेकिन हम सारे ही प्रीफिक्सेस एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला आपको दिया है सपोर्टिव प्रीफिक्स, जो कि रूट वर्ड को सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मार्केट, आप कहते हो प्रो मार्केट. यस, मैं कहती हूँ चॉइस, आप कहते हो प्रो चॉइस. यस, लाइफ प्रो लाइफ, तो आपने उसके आगे एक ऐसा सपोर्टिव वर्ड लगा दिया, तो दैट इज सपोर्टिव प्रीफिक्स. ऑपोजिंग प्रीफिक्स देखते हैं, आपके लिए इजी समझने के लिए होगा कि प्रीफिक्स का सिर्फ एक एग्जांपल आपने याद रखना है. ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको प्रीफिक्स के, कि आपको सारे पढ़ने की जरूरत है? नो, क्योंकि एग्जाम में तो वो कोई भी रैंडम चीज पूछ सकते हैं ना यार. सपोज मैं आपको बोलू क्लॉकवाइज, मैं आपको क्या बोलू क्लॉकवाइज, आप बोलोगे दीदी इसका प्रीफिक्स है एंटी क्लॉकवाइज. यस, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो एंटी है ये क्या है? इट इज अ प्रीफिक्स. ये जो शब्द है उसके आगे हमने क्या लगा दिया? एंटी लगा दिया. यस, और एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव प्रीफिक्स का. जब मैं कहूँ ऑनेस्ट, जब मैं कहूँ ऑनेस्ट, ये वाला एग्जांपल इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, इसीलिए आप ये एग्जांपल को याद रखोगे. जब मैं कहूँ ऑनेस्ट,
तो आप कहते हो दीदी ऑनेस्ट का प्रीफिक्स होगा डिसऑनेस्ट। यस, अगर ऑनेस्ट के आगे हम डिस लगा देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा। ऑनेस्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रीफिक्स कहा गया है। यस, जब मैं कहूँ एडवांटेज, आप कहते हो दीदी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? प्रीफिक्स है। डिस क्या है? प्रीफिक्स है। यस यस ओके ओके। और एक टाइप है रेवर्सेटिव प्रीफिक्स। रेवर्सेटिव प्रीफिक्स मतलब कोई भी चीज को जब आप अंडू करते हो उसे रेवर्सेटिव प्रीफिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई एम अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, आप बोलते हो डिसऑनेस्ट। यस, ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? डिसऑनेस्ट हो गया। यस, इनवाइट डिसइनवाइट, क्वालिफाई डिसक्वालिफाई, सिलेक्ट डीसिलेक्ट, हमें ऐसा सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं ना, डू यू एक्सेप्ट विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, अपन ऐसा सिलेक्ट करते हैं। फिर हमें लगा नहीं 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 हमें इनका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं सुनना है, तो हमने ये क्या कर दिया? डी सिलेक्ट कर दिया। तो पहले सिलेक्ट किया था लेकिन उसको अंडू कर दिया, दैट इज डी सिलेक्ट, उसे रेवर्सेटिव प्रीफिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स। यू गाइस ये सारे टाइप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीफिक्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये जरूर समझना चाहिए कि प्रीफिक्स है क्या। यस, डेरिवेटिव प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं कि डेरिवेटिव प्रीफिक्स के अंदर आप कोई चीज को रिमूव कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि ये बॉटल के ऊपर का ये कैप है, तो आप कहते हो दीदी प्लीज अनकैप दिस, अनकैप दिस। ये मैंने क्या किया? अनकैप किया इसको। यस, ये कवर्ड था, सी दिस इज कवर्ड, आप बोलते हो दीदी प्लीज अनकवर, ये मैंने अनकवर किया। और क्या किया? अनकवर किया। ओके, तो आपने बेसिकली उस चीज को रिमूव किया। यस, उसे डेरिवेटिव प्रीफिक्स कहा जाता है। ये दो उसके एग्जांपल्स है, एक अनकैप और एक अनकवर। ठीक है, कवर के आगे अनकवर, कैप के आगे अनकवर। मैं आपको हाउ की नहीं कर रही थी, ठीक है, कौन है कौन है कौन है हाउ की, वो जो छोटे बच्चे लोग करते हैं। यस ओके, बट आई होप आपको समझ में आया क्या क्या करना पड़ता है ना, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बताओ। नेक्स्ट इज पेजोरेटिव प्रीफिक्स। पेजोरेटिव प्रीफिक्स मतलब यहाँ हम सामने वाले को ऐसा गलत मानते हैं, ये बैड है, ये बैड है, पीकबू नहीं कर रही थी बाबा, पीकबू नहीं कर रही थी। ओके ओके, पीकबू, आई सी यू। ओके, पेजोरेटिव प्रीफिक्स ऐसे बैड जो होता है, जैसे अगर कोई मैनेज कर रहा था तो नहीं ये तो मिसमैनेज कर रहा है, गलत कर रहा है, बेसिकली पेजोरेटिव प्रीफिक्स जो आप गलत कर रहे हो उसके लिए होता है। से आपने अप्लाई किया, मैंने मिस अप्लाई किया, आप उसको बिलीव करते थे, आपने मिस बिलीव कर लिया। यस, कैलकुलेट करने की जगह आपने मिस कैलकुलेट कर लिया, तो कुछ भी गलत करना, यस इट्स कॉल्ड एज पेजोरेटिव प्रीफिक्स। नेक्स्ट इज प्लेस प्रीफिक्स। जब भी कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो कि एक प्लेस को डिनोट करना करता है या कोई सिचुएशन को डिनोट करता है, जैसे कि मैं थी, आई वॉज द, क्या एग्जाम्पल दूं आपको, आई वॉज वेरी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन माई स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है जो मेरे स्कूल में एक्टिविटीज चलती है उसके भी बाहर की एक्टिविटीज जब मैं करती हूँ तो उसे एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब इट्स बियॉन्ड माई करिकुलम। जब मैं कहती हूँ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप बहुत ज्यादा हो, जैसा होना चाहिए उससे आप बहुत ज्यादा हो। यस, और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कॉन्शियस का क्या हो जाएगा प्रीफिक्स? सबकॉन्शियस। यस, तो इससे थोड़ा सा सब प्लेस डिनोट होता है। कॉन्फिडेंट, नो नो आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, ये क्या है? इट इज अ प्लेस प्रीफिक्स। जैसे मैं कहूँ यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए, तो प्रीकॉशन, कॉशन के पहले लेने वाली चीज, प्रीकॉशन। यस, इट इंडिकेट्स प्लेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ थिंग्स। या नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं साइज प्रीफिक्स का, ये क्या डिनोट करेगा? ऑफ कोर्स साइज डिनोट करेगा। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव 4 Mbps, मेगाबाइट्स, मेरे पास कितने हैं? 4 मेगाबाइट्स है।
मेगा क्या है? इट डिनोट साइज. जब मैं कहती हूँ आई विल कम इन अ मिनी बस, मैं एक मिनी बस में आऊंगी, तो मैं क्या डिनोट कर रही हूँ कि वो बस छोटी होगी. मिनी क्या है? प्रीफिक्स है. यस, जब मैं कहूँ आई विल कम इन अ मिनी कैब, मैं मिनी कैब करके आ जाती हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अकेली तो हूँ. मिनी कैब का मतलब है छोटी वाली जो कैब होती है. यस, तो इट इज डिनोटिंग साइज. यस, तो इसे इसीलिए साइज प्रीफिक्स कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज टाइम प्रीफिक्स, जो कि टाइम डिनोट करता है, नाम से ही पता चल जाता है. जब मैं कहूँ आई वॉज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ ICSI नागपुर चैप्टर, आई वॉज द एक्स प्रेसिडेंट मतलब मैं अभी नहीं हूँ लेकिन इसके पहले थी, टाइम डिनोट कर रही हूँ. जब मैं कहूँ वील मीट पोस्ट डिनर, वी ऑल विल मीट पोस्ट डिनर, डिनर के पहले, पोस्ट डिनर, पोस्ट का मतलब होता है डिनर के बाद में. तो जब मैं कहूँ पोस्ट डिनर, व्हेन आई से पोस्ट डिनर, इसका मतलब है डिनर के बाद. तो आप ये पोस्ट वर्ड लगा के क्या डिनोट कर रहे हो? टाइम डिनोट कर रहे हो. यस, इसीलिए इसको टाइम प्रीफिक्स कहा गया है. नेक्स्ट इज नंबर प्रीफिक्स. जब आप नंबर डिनोट करते हो, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अरे ये वाली जो कंपनी है इसकी तो मोनोपोली है. मोनोपोली मतलब इसका ही मार्केट है पूरा, वन साइडेड चलता है इसका, एक तरफा. या दैट इज मोनोपोली मतलब एक ही पर्सन पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल कर रहा है. जब मैं कहती हूँ वी आर इन अ ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट, मतलब हम तीन पार्टीज है और हम तीनों भी क्या है, ये पार्ट के, ये वाले अग्रीमेंट के पार्टीज है. यस, और एक एग्जाम्पल लेते हैं डेकेड. डेकेड मतलब 10 years जब हो जाते हैं उसे डेकेड कहा जाता है. दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, आई होप आपको समझ आया. और एक किलोग्राम जब हम कहते हैं, किलो किसके आगे लगाते हैं हम? जब हमें डिनोट क्या करना होता है, यस, कोई नंबर कि इतने किलोग्राम है. यस, तो किलो इज नथिंग बट 1000. क्या आपको समझ आया? नेक्स्ट इज स्टेटस प्रीफिक्स. स्टेटस प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो कि एक स्टेटस डिनोट करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम द को फाउंडर ऑफ CS कार्ट इंडिया कंपनी, तो मैं क्या हूँ? मैं को फाउंडर हूँ CS कार्ट इंडिया कंपनी की. आई एम शोइंग माई स्टेटस. जब मैं कहूँ चलिए लास्ट वाले वीडियो में से किसी का एग्जाम्पल लेते हैं. किसका एग्जाम्पल ले हम? एग्जाम्पल लेते हैं, एक कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी. अच्छा, वो क्लास मॉनिटर की थी. चलिए फिर भी ले लेते हैं, बहुत दिनों से इनका एग्जाम्पल नहीं लिया है. तो मैं कहती हूँ रितिका इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSET बैच. तो वाइस प्रेसिडेंट क्या डिनोट कर रहा है? एक स्टेटस डिनोट कर रहा है. यस, तो इट इज अ स्टेटस प्रीफिक्स. आई होप आपको समझ में आया. नेक्स्ट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स. यहाँ पे नाउन से प्रोनाउन हो जाता है, प्रोनाउन से एडजेक्टिव हो जाता है, ऐसा हो जाता है वो वर्ड ही. जैसे अगर मैं कहती हूँ एंडेंजर, डेंजर का क्या हो गया? एंडेंजर हो गया. एम्बार्क, बार्क से क्या हो गया? एम्बार्क. एनरिच मतलब और भी ज्यादा यूजफुल. यस, तो यहाँ पर क्लास चेंज हो जाता है. समझ आ रहा है आपको? दीज आर क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स. रोल करना था हमें ये क्लास में, तो हमने एनरोल कर लिया, पूरा मीनिंग ही बदल गया, शब्द बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बस वो क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स में होता है. एंड लास्ट इज मिसलेनियस. जितने भी हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़े थे, जो भी अगर कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो ऊपर दिए गए कैटेगरीज में नहीं आता है, तो वो किस में आएगा? मिसलेनियस में आएगा. जैसे कि जब मैं कहूँ इको फ्रेंडली, दिस स्पेक्स इज इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली का क्या मतलब है? इको फ्रेंडली का मतलब है इट्स क्वाइट गुड फॉर द एनवायरमेंट. तो ये कोई और ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए इसको मिसलेनियस में डाल दिया है. पैरानॉर्मल, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन. यूरो करेंसीज मतलब यूरोपियन करेंसीज, ये सारे ही वर्ड्स किस में आएंगे? मिसलेनियस में आएंगे. आई होप आपको समझ में आ गया. ऑल राइट,
तो प्रीफिक्स क्या होते हैं ये एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, प्रीफिक्स क्या होते हैं मैं एक बार फिर से बता दूं, कोई भी शब्द के आगे, कोई भी शब्द के आगे अगर आप कोई ऐसा छोटा सा शब्द लगाते हो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। आर वी डन, आर वी गुड टू गो, तो कम ऑन क्विकली लाइक द वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे साथ साथ। चलो मैं भी लाइक कर देती हूँ, देखिए मैंने भी वीडियो लाइक कर लिया, अब आपकी बारी। एवरीबडी, ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल प्लेस प्रीफिक्स में भी आ सकता है, लेकिन उसको अलग से में भी इसीलिए दिया है बिकॉज हम लोग ऐसे बोलते हैं ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तो इसका दूसरे वे में भी एक मीनिंग होता है जो नॉर्मल नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज, इसका मतलब बियॉन्ड नॉर्मल। यस, प्लेस प्रीफिक्स में भी आ सकता है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये वाला जो वर्ड है ये यही प्रीफिक्स में आएगा, यही कैटेगरी में आएगा, ये सिर्फ आपके लिए ग्रुप्स करके दिए है कि ये ग्रुप हो सकता है। यस, ओके, चलिए, आई होप वी आर गुड टू गो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज सफिक्स। अब सफिक्स में चार कैटेगरीज है, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, वर्ब सफिक्स और एडवर्ब सफिक्स। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब सफिक्स क्या होता है ये हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी शब्द के पीछे, यहाँ पर लिख लो, कोई भी शब्द के पीछे, कोई भी शब्द के पीछे अगर आप कोई शब्द लगा देते हो, दैट इज सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, सफिक्स का मतलब होता है बाद में। यस यस ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ डू यू हैव दिस ऑडेसिटी, कितना कैपेसिटी है तुम्हारा। अगर आप मुझे खाते हुए देखोगे ना, आप बोलोगे दीदी बस करो, दीदी कितना कैपेसिटी है आपका। कैपेसिटी आगे क्या लगा है, सिटी लगा है, सिटी क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे अगर मैं कहूं एडवांटेज या फिर बैगेज, बैग के आगे मैंने क्या लगा लिया, एज लगा दिया। यस, और एग्जांपल देखें, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन तो आपको पता ही हो गया कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज्यादा देखते हैं, आई नो दैट। तो कोलैबोरेट को ही मैंने लंबा कर दिया, कोलैबोरेशन मैंने TION लगा दिया, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ सफिक्स। यस, ये क्या है, ये एक सफिक्स है। ओके ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, स्कॉलरशिप, शिप क्या है, सफिक्स है। यस यस, ब्यूटिफाई, ब्यूटी के आगे आपने फाई को लगा दिया, ब्यूटिफाई, फाई क्या है, सफिक्स है। यस, एम आई ऑडिबल, ऑडी के आगे आपने क्या लगा लिया, बिल लगा लिया, ऑडिबल। एम आई इज दिस रीडेबल, रीड के आगे आपने क्या लगा दिया, एबल लगा दिया, इज दिस रीडेबल। यस, एबल क्या है, सफिक्स है। सरप्राइजिंगली ली क्या है, सफिक्स है। एंटी क्लॉक वाइज, वाइज क्या है, सफिक्स है। तो क्या आपको ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीशियन, यस शियन क्या है, सफिक्स है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट आर सफिक्सेस। प्रीफिक्स समझ में आ गया, सफिक्स समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा है ऐसा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ ही सफिक्सेस दिए, क्या आपको सारे लर्न करने की जरूरत है, नो एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आपको कोई भी रैंडम सफिक्स वो पूछ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको आपका नॉलेज एनहांस करना है तो, और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो श्योरली यू कैन गो थ्रू द सफिक्सेस एंड द प्रीफिक्सेस एग्जाम्पल्स। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स की। कभी कभार इंग्लिश में क्या होता है ना कि दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं और उसका एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, कितने स्टूडेंट्स ने सुना है क्रिप्टो के बारे में,
अभी बहुत बजवर्ड चल रहा था कुछ टाइम पहले कि क्रिप्टो बहुत गिर गया है। क्रिप्टो क्या है? एक करेंसी है। तो हम इसे क्या बुलाते हैं? क्रिप्टो करेंसी। ये ऐसा पैसा है जो इंटरनेट पे चलता है। इट्स कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी। यस ओके। और भी ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे अगर मैं कहूँ कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, ऑटो और ग्राफ ये दो शब्द को ज्वाइन कर दिया है और ऑटोग्राफ बना दिया है। यस क्या है ये? कॉम्बिनेशन वर्ड्स है। मिड आफ्टरनून, मिड विंटर, अभी क्या चल रहा है? मिड विंटर चल रहा है। यस मिड विंटर चल रहा है। मिड विंटर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। यस ऑल राइट। टेली कम्युनिकेशन, टेली और कम्युनिकेशन को जोड़ दिया, टेली कम्युनिकेशन। अभी अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और इकोनॉमिक्स इसको जोड़ दिया, क्या बन गया? कॉम्बिनेशन वर्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? जैसे हम लोग जब भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो जो फुल स्टॉप करते हैं, कॉमा करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास करते हैं, ब्रैकेट्स करते हैं, ये सारे ही जो यू नो एलिमेंट्स है, इसे पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। जैसे हम लोग स्पेस छोड़ते हैं दो वर्ड्स के बीच में, या ऐसा फुल स्टॉप करते हैं, या फिर कॉमा करते हैं, या क्वेश्चन मार्क करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, ये सभी क्या है? दीज आर कॉल्ड एज पंक्चुएशन मार्क्स। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई शब्द को हाईलाइट करना है तो हम वो कर सकते हैं, और इसके ऑब्वियसली बहुत सारे फायदे हैं। बस एक बार इमेजिन कर लो कि अगर कोई सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा है तो वो कैसे चलेगा। देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द मार्क्स एज फुल स्टॉप, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, हाइफन, ब्रैकेट एंड आर यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क। द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग कैन बी कंपेयर्ड टू द बोथ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉज इनोटेशन एंड एम्फेसिस यूज्ड टू इन द स्पोकन फॉर्म। अरे दीदी कहीं तो सांस लो, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं कॉमा है, क्यों दिया हुआ है? ताकि जब एक फुल स्टॉप हो तो आप एक पॉज लो, जब कॉमा है तो आपको पता होना चाहिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यस कौन से टाइप के पंक्चुएशन होते हैं? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, हाइफन, एस्टरिस्क, ब्रैकेट्स, कोलन, बहुत सारे टाइप्स है, स्पेस, इटैलिक्स, एब्रिवेशन, ये सारे ही पंक्चुएशन मार्क्स है। Yes? Okay. Okay. So now, let's start with the punctuation marks. Shall we? Yes? Okay. चलिए फिर शुरुआत करते हैं। Okay. Let's start. Uses of punctuation mark. सबसे पहला है space. सबसे पहला है space. Space is the most basic form of punctuation. अरे कोई भी दो शब्द लिखते हो उसके बीच में space छोड़ते हो ना थोड़ी सी, so that वो दो शब्द अलग अलग हो सके. So space is the most basic type. आपको भी पता है. Yes. Next is full stop. जब कोई सेंटेंस खत्म होता है या फिर जब कोई पैराग्राफ खत्म होता है तो क्या आप एक फुल स्टॉप देते हो, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, आई गेस, आई डोंट नो, आई एम एन इंग्लिश टीचर, यू सी, आई गेस, जो कि हम ऐसे करके देते हैं हिंदी में, इसे क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप कहा जाता है। इट्स यूज टू एंड द सेंटेंस। अगर वो क्वेश्चन मार्क नहीं है या अगर वो एक्सक्लेमेशन नहीं है तो वो क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, सो दैट हमें पता चले कि ये सेंटेंस एंड हो चुका है। ओके मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप नहीं लिखना है? जब भी आप कोई डेट लिखो, सपोज आज का डेट है 29.11.2022, ऐसा कब तक नहीं लिखना है। आपको मैंने कैसा सिखाया है डेट लिखना? 29 November 2022 पूरा लिखना है, ठीक है? सपोज मैं मेरा नाम लिखती हूँ पार्श्वी, तो पार्श्वी के बाद मुझे कभी भी फुल स्टॉप नहीं देना है,
यस यस सपोज मैंने कोई बुक का टाइटल दिया है एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक का टाइटल है, क्या आपको ये टाइटल के बाजू में फुल स्टॉप दिख रहा है? नहीं. तो ऐसी कोई कोई जगह होती है जहां आपको फुल स्टॉप यूज नहीं करना चाहिए. ऑल राइट, अब आ जाते हैं और एक पंक्चुएशन मार्क पे, दैट इज कॉमा. कॉमा भी बहुत ज्यादा यू नो मोस्ट कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क है. अगर हमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस है जिसको अलग अलग करना है, हम कॉमा का यूज करते हैं. अगर हमें कभी एक लॉन्ग पॉज देना है, हम कॉमा का यूज करते हैं. अगर हमको दो चीजों को सेपरेट करना है एक दूसरे से, तो हम कॉमा का यूज करते हैं. क्वेश्चन टैग में यूज करना है, क्या यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे. माई सन कॉमा अखिलेश कॉमा इज द हेड बॉय ऑफ द बैच. तो मैंने क्या किया? कॉमा यूज किया पॉज लेने के लिए. यस, ये बताने के लिए कि माई सन, कौन सन? अखिलेश. यस, ऑल राइट. नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज हाइफिन. ये यूजुअली दो कॉम्बिनेशन वर्ड्स के बीच यूज होता है. जैसे अगर मैं कहूँ क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, अरे क्रिप्टो करेंसी, क्या यूज किया मैंने? हाइफिन यूज किया. दो कंपाउंड वर्ड्स में हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए हम यहां पर हाइफिन का यूज करते हैं. सपोज आई वाज द एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट के बीच में मैंने क्या यूज किया? एक हाइफिन यूज किया. ये जो ऐसा बीच वाला डैश होता है इसे हाइफिन कहा जाता है. आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ हाइफिन एम्प्लॉयड. यस, ये हाइफिन क्या है? इट इज यूज टू क्लेरिफाई मीनिंग्स, इट लिंक्स द कंपाउंड वर्ड्स. यस, क्या आपको समझ आया? ओके ओके, जितना जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है. यस, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ. डन. नेक्स्ट इज सेमी कोलन. सेमी कोलन कैसा होता है? एक फुल स्टॉप और बस उसके नीचे एक कॉमा, इसे सेमी कोलन कहा जाता है. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और अगर दोनों ही क्लॉजेस को आपको अलग करना है तो आप सेमी कोलन का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हम लोग वही एग्जाम्पल पढ़ते हैं. दोज प्रेजेंट एट द फंक्शन इंक्लूडेड मिस्टर एंड मिसेस जैन, देयर चिल्ड्रन, उषा, अमित एंड राहुल, और उसके बाद एक सेमी कोलन दिया है. पारुल, जो एंड थॉमसन, उसके बाद फिर से एक सेमी कोलन दिया है. राज एंड रवि मल्होत्रा, उसके बाद फिर से एक सेमी कोलन दिया है. यस, और यहाँ एक सेमी कोलन दिया है. हर एक फैमिली को उनको अलग करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? सेमी कोलन दिया है कि मिस्टर एंड मिसेस जैन और उनके जो बच्चे थे, ये और ये, उसके बाद सेमी कोलन. पॉल और जॉन भी आए थे, उसके बाद और कौन आया था? राज और रवि भी आए थे. तो हर एक के बाद सेमी कोलन से सबको अलग अलग किया है. यस, ओके. द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कोलन. कोलन का यूजुअली हम लोग बहुत यूज करते हैं. अगर आपने देखा होगा तो कभी भी हमें आंसर लिखना होता है कोई भी टाइप का, हम क्या लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पूछती हूँ, बताओ स्कॉट वाली डेफिनेशन, स्कॉट ने क्या बोला था? चलो मैं आपको पूछती हूँ वेबस्टर्स डिक्शनरी ने क्या बोला था. आप बोलोगे दीदी वो अंकित और अंकिता का आपने एग्जाम्पल दिया था चैप्टर फोर्थ के अंदर, कि अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है. तो आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल अंकित एंड अंकिता. ये यहाँ आपने क्या यूज किया? कोलन यूज किया. तो अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना है आप कोलन से उसको देते हो, कोई एग्जाम्पल देना है आप कोलन यूज करते हो. यस, अगर आपको ऐसा बोलना है कि नैन्सी सेड और कोलन देकर उन्होंने कहा नहीं क्लोज, तो ये जब मैं देती हूँ कोलन तो इससे क्या पता चलता है कि नैन्सी ने ये कहा. यस, ओके ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ कोलन. नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी हम कब यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी इसे कहा जाता है जब मैं कहूँ दिस इज
her bottle. This is Shruti's bottle. तो मैं लिखती हूँ जब ये sentence, तो मैं क्या कहूँगी? This is Shruti's bottle. Yes? क्या मैं ऐसे कहूँगी? Yes or no? जल्दी से बताएंगे आप मुझे. This is Shruti's bottle. मैं क्या डिनोट कर रही हूँ? Possession. Yes. डिस्टर्बेंस आ रहा था इसीलिए मैंने 2 मिनट म्यूट कर लिया था. आई होप आपको समझ में आ गया. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जब अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वर्ड बताना है, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द कोर्ट्स ऑर्डर. अरे कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स के आगे भी क्या लग गया? अपोस्ट्रोफी लग गया. कांट यू कम टूडे, तुम आज नहीं आ सकते हो क्या? कांट यू, कांट के भी आगे क्या लग जाएगा? अपोस्ट्रोफी लग जाएगा. यस, ओके. अपोस्ट्रोफी इज वेरी इजी. ऑब्वियसली ये भी हम लोग डेली इसमें यूज करते हैं जब भी कुछ लिखते हैं तो. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स मतलब ऐसा इन्वर्टेड कॉमास भी आप इसको बोल सकते हो, या तो इसको कोट्स कहा जाता है या तो इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ पारुल सेड, और फिर मैं कोटेशन मार्क में लिखती हूँ Yes, ma'am. Quotation close. ये क्या था? परुल ने क्या कहा? Yes, ma'am कहा. Yes. उन्होंने exactly जो कहा वो हम लोग quotation mark के अंदर लिखते हैं, so that सामने वाले को समझ आए कि ये हम नहीं कह रहे, ये person कह रहा था. Yes. Okay. Okay done. She asked, did he say diseased? और डिसीज्ड यहां पर भी क्या दिया है? कोटेशन मार्क दिया है. उसने क्या पूछा? ये पूछा. ओके, एंड नाउ आई गेस वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्रैकेट्स. अब हम लोग लास्ट पंक्चुएशन पे आ जाते हैं. ये भी एक टाइप ही है पंक्चुएशन का, जिसे ब्रैकेट्स कहा जाता है. ब्रैकेट मतलब ये ऐसा ऐसा वाला या ऐसा ऐसा वाला. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. एक होता है क्रेसेंट ब्रैकेट. क्रेसेंट मतलब ये ऐसा वाला नॉर्मल ब्रैकेट जो हम लोग डेली में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह यूज करते हैं. अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं हम? सो दैट जो हम ये ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, इससे जो हम लिख रहे हैं उसका फ्लो खराब ना हो जाए. वैसे तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सामने वाले को कुछ एक्सप्लेन करना है, इसके लिए हमने उसको ब्रैकेट में डाल दिया है. क्या आप भी ऐसा करते हो? यस. क्या आप भी ऐसा ब्रैकेट में डालते हो कुछ कुछ चीजें? सो दैट उसका जो फ्लो है वो खराब ना हो जाए, इसीलिए बेसिकली हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं. क्रेसेंट शेप के ब्रैकेट्स अगर हमें कोई एब्रीविएशन है, जैसे मैंने आपको 8th chapter में पढ़ाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो आप ब्रैकेट में MCA उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हो. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आप ब्रैकेट में ICSI लिख लेते हो. तो ये जो लंबा चौड़ा था इसको आपने एब्रीवेट कर लिया, इसका एक्रोनिम बना लिया और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया. समझ रहे हो आप? इसीलिए भी हम लोग कभी कभी ब्रैकेट्स यूज करते हैं. यस यस. ओके ओके. और एक टाइप होता है स्क्वेयर ब्रैकेट. यूजुअली ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है ना, ये नॉवेल्स के अंदर यूज होता है या फिर बुक्स के अंदर. अगर आपको बुक्स रीड करने का शौक है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीजें स्क्वेयर ब्रैकेट में डाली होती है. इसका ये मतलब होता है कि रीडर को आपका जो फ्लो है वो बिगाड़ना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा है कि ये चीज ये थी. एक बार ना मैं आपको रीड करके बताती हूँ. आई अप्रिशिएट इट. इट का क्या मतलब है? ये हम सोचे ना, इसीलिए जो राइटर है उसने स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर दिया है द ऑनर. इट का क्या मतलब है? द ऑनर. यस.
आई अप्रिशिएट इट, हम सोचेंगे किस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है ये, तो ये जो हमें सौभाग्य दिया है उसे अप्रिशिएट कर रहा है, इसको स्क्वेयर ब्रैकेट में दिया है। द ओनली रीजन बीइंग कि हमारा जो फ्लो है वो खराब ना हो जाए, हमारा फ्लो ना टूटे। और भी अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस ब्रैकेट्स, इसे ब्रेस ब्रैकेट कहा जाता है। सपोज मैं आपको बोलूं व्हाट इज द ऑड मैन आउट, और मैं आपको ऑप्शंस देती हूं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, बुक। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है, या आप बोलोगे दीदी बुक है, इसको मैंने किस में डाला है, ब्रेस ब्रैकेट में डाला है। यस yes? अगर हमें कभी ऑड मैन आउट वगैरह बताना रहा तो हम तब ब्रेस ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर और एक टाइप होता है एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट कब यूज करते हैं, जब हमें कोई मैथमेटिक्स का चीज लिखना है, या फिर हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है, तब हम लोग एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसे आपने आईटी में पढ़ा होगा स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज, स्टॉप एंगल ब्रैकेट क्लोज, पॉज, या फिर बोल्ड, बोल्ड क्लोज। ये सारा क्या है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। यस, उसके लिए भी, ये प्रोग्रामिंग के लिए भी एंगल ब्रैकेट्स यूज होते हैं, C++ में, या फिर कोडिंग वगैरह में, या HTML में, इसमें जो एंगल ब्रैकेट्स है वो बहुत बार यूज होते हैं। यस, तो हमने जो भी पंक्चुएशन पढ़े, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, सेमी कोलन, कोलन, अपोस्ट्रफी, कोटेशन मार्क्स, क्रेसेंट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेस ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट्स, आई होप आपको इसका जो यूज है और इम्पोर्टेंस है वो समझ आया होगा। एंड विद दिस यू गाइस, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। अब केवल दो ही चैप्टर्स बचे हैं, एक है चैप्टर नंबर 2 और एक है चैप्टर नंबर 3। सो आर वी गुड टू गो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन क्विकली यू गाइस, आर वी गुड टू गो? यस यस, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, दैट इज एनरिचिंग वोकैबुलरी। देखो ग्रामर में ना, इंग्लिश में ना, तीन पार्ट्स में इंग्लिश का डिविजन है, एक है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? और यही तीन चीजें आपको चैप्टर 1, 2 और 3 में दी है। अब हमने ये पढ़ लिया कि ग्रामर क्या होता है, क्या आपको चैप्टर 1 थोड़ा सा बोर हुआ क्या? देखो मुझे बोर नहीं होगा, क्योंकि मैं कितनी भी बार पढ़ा लूं, मुझे तो इंग्लिश पसंद है, मुझे ग्रामर भी पसंद है, तो मुझे तो बोर नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि आपको चैप्टर 1 थोड़ा सा बोर हो सकता है, लेकिन चैप्टर 2 उतना ही इंटरेस्टिंग है। ये भी पूरा इंग्लिश ही है, लेकिन ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, ठीक है? आपको सीखने को मिलेगा, अच्छा इसको ये बोला जाता है, अच्छा इसको वो बोला जाता है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो कैसी है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वोकैबुलरी कैसी है, क्योंकि हमें तो ये वोकैबुलरी जो शब्द है इसका मतलब ही नहीं पता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। अरे नहीं दीदी मजा आ रहा है, नो दीदी बिल्कुल बोर नहीं हुआ, अरे ये तो आपका बड़प्पन है, यू नो यू गाइज आर वेरी वेरी हम्बल। क्या आप अपने टीचर को नहीं बोलते हो कि नहीं दीदी बोर हो रहा था? ओके ओके, नो मैम नॉट बोरिंग, अरे थैंक यू सो मच। ओके, वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज में आपको कितने शब्द आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज द नॉलेज ऑफ वंस ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स, कि आपको कितने शब्द आते हैं।
उसे क्या कहा जाता है, वोकैबुलरी कहा जाता है। अब ऑब्वियसली आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा शब्द आते हो इंग्लिश के, मुझे बहुत कम आते हैं, यस, तो क्या माना जाएगा कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, मेरी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक ठाक है, यस। कैसे पता करेंगे हम कि किसकी वोकैबुलरी कैसी है? By the knowledge of words. अगर आपको कोई इंग्लिश का शब्द आता है मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, yes. और जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी जो बुक्स होती है जल्दी से रीड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यू आर वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी नोन विद द वर्ड्स। हर एक लैंग्वेज यू गाइस, हर एक लैंग्वेज का अपने अपने शब्द होते हैं। हम कब बोलते हैं कि अरे यार इसका तो बहुत लैंग्वेज पे कमांड है, इसका तो बहुत कमांड है ये लैंग्वेज पे, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको बहुत सारे शब्द आते हैं ये लैंग्वेज के, यस। सो अ गुड वोकैबुलरी मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड जो आप यूज करते हैं, या ओके। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई तो कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है आप ईजिली रीड कर पाओगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो या रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो, दोनों ही। और आपकी जो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि पर्सनल लाइफ में अगर आपको आपके मोर देन फ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो कैसे इम्प्रेस करते हैं? हे गुड मॉर्निंग, या हे के बाद फुल कॉमा, गुड मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप, फिर हाउ आर यू डूइंग, उसमें भी यू आर में अपोस्ट्रोफी, बढ़िया क्वेश्चन मार्क, सब अच्छे से आप इंग्लिश लिख रहे हो, आई एम फीलिंग, आई वॉज प्रोकैसिनेटिंग मैसेजिंग यू, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना। अरे सामने वाला या सामने वाली तो आपसे इम्प्रेस होने ही वाली है। इंडिया में ना वैसे भी इंग्लिश का एक अलग ही क्रेज होता है, अब ये सच है, आप सुन पाओगे या नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैंने कोई चीज़ आपको हिंदी में बोली तो शायद आपको इतने अच्छे से ना समझे, लेकिन अगर किसी ने आपको ये सेम चीज़ इंग्लिश में बोल दी, हमें ऐसे लगेगा वाह यार कितना स्मार्ट बंदा है, कितना इंटेलिजेंट है, जस्ट बिकॉज उन्होंने किस में बोला है, इंग्लिश में बोला है। इंग्लिश में बोला है मतलब वाह 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 वाह, बहुत सही बहुत सही, बहुत इंटेलिजेंट था, बात वही थी, फर्क बस उतना था कि कमांड किस पे था, हमारी लैंग्वेज पे था, यस। क्या बफर हो रहा है? जस्ट वन सेकेंड यू गाइस, जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। ओके 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 ऑल राइट चलिए। अब ये जो वोकैबुलरी है इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, जैसे सबसे पहला है चॉइस ऑफ वर्ड्स। आई होप आई एम ऑल विजिबल एंड ऑडिबल अगेन, यस ऑल राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोले तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। अब ये जो वर्ड्स है जो हम बोलने वाले हैं ये तो डिपेंड करेगा ना कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमें शब्द आते भी है या नहीं, हमारी ऑडियंस कौन है, कैसा टाइप का कम्युनिकेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम शब्द कौन से चूज़ करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैसे चूज़ करेंगे। अगर सपोज़ आपको मुझसे बात करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अपन ये एग्जाम्पल लेते कि आपको मुझसे बात करनी है, तो अब आप कैसे कौन से वर्ड्स चूज करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले तो द रेंज और रेपिटोर ऑफ योर वोकैबुलरी, मतलब अगर आपको कोई शब्द आता है तभी तो आप यूज करोगे ना यार, अगर आता ही नहीं है तो कैसे यूज करोगे, है कि नहीं दीदी? शब्दों को यूज करने के लिए पहले आना तो चाहिए। तो आपका रेंज क्या है वोकैबुलरी का, क्या आपको बहुत सारे शब्द आते हैं या थोड़े बहुत ही आते हैं? यस, उस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से शब्द बोलते हो। नेक्स्ट इज योर ऑडियंस, किससे बात कर रहे हो, ये वाले केस में आप मुझसे बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली
ये वाला जो कम्युनिकेशन है आपका, ये थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का रहेगा क्योंकि आप आपके सीनियर से बात कर रहे हो, आप आपके टीचर से बात कर रहे हो. यस, यू विल बी अ लिटिल बिट पोलाइट. आपका जो यू नो बोलने का तरीका है वो काफी तहजीब वाला होगा. यस और नो? नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या ओरल है या फिर रिटन है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना यार कि आप कैसे शब्द यूज करते हो. सपोज आप मुझे से बात कर रहे हो, लेकिन जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो सकता है आप बोलो हेलो दीदी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू. और लेकिन वही रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न के अंदर आप बोलोगे डियर मैम काइंडली टेक नोट ऑफ दिस. समझ रहे हो? तो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे. सामने वाले को आप क्या मैसेज है जो कन्वे करना चाहते हो, क्या वो मैसेज बहुत अर्जेंट है या फिर वो कुछ ऐसा मैसेज है कि जिसके लिए आपको ना एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड्स ही यूज करने हैं, नहीं तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा. ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज है जो आप कन्वे कर रहे हो. कॉन्टेक्स्ट एंड यूसेज. कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं गलत भी समझ लूँ तो इसीलिए आप ऐसे वर्ड्स बोलोगे ही नहीं. यस, ये आपको पहले से पता है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, तो आप एकदम देख कर संभल कर यूज करोगे. यस, रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस. जो हमारा फ्लुएंसी होता है, जो आपको पता है ब्रिटिशर्स कैसी इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग ऐसी बोलते हैं. Improving vocabulary, try and understand the root and etymology of the word. Good dictionaries give all the chances that the root word can undergo. ऐसा बोलते हैं. और वही हम इंडिया के लोग कैसा बात करते हैं, इंडिया के लोग कैसा बात करते हैं. Improving vocabulary, try and understand the root of the words. Good dictionaries give all the chances, ऐसा बात करते हैं. Yes, काफी ज्यादा डिफरेंस है. जिस तरह से हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा हिंदी टच भी आ जाता है. Yes or no? आता है ना? Okay. That is because of national differences. Yes? Okay, done. एंड द लास्ट इज इम्प्रूविंग वोकैबुलरी. जैसे जैसे आप और भी ज़्यादा वर्ड्स जानने लगोगे वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा वर्ड्स यूज करने लगोगे. मैम ब्रिटिश बन गए, अरे अपन पैदाइशी अंग्रेज है. चलिए ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वर्ड्स चूज कर रहे हो. लेकिन अब यहाँ आपको कुछ ऐसी टिप्स दी हुई है जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल बी एबल टू चूज द राइट वर्ड्स. जैसे कि सबसे पहला है सिंप्लिसिटी. जितने सिंपल वर्ड्स आप चूज कर सको उतना सिंपल आपने रहना है, एकदम इजी वर्ड्स यूज करने हैं सो दैट सामने वाला एकदम फटाक से समझ ले. यस, लेकिन जो लीगल लैंग्वेज होती है ना यू गाइस, जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, इट्स वे डिफरेंट. ये बिल्कुल इजी नहीं होती है. एक एक लाइन का इंटरप्रिटेशन समझने में हमारा पूरा दिमाग का दही बन जाता है. बट थैंक्स टू प्रवीण सर, यस वो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं एक एक चीज, मुझे भी समझाते हैं क्योंकि उसके हर एक लाइन में एक इंटरप्रिटेशन है. यार बताओ, इतना हमसे नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज फेमिलियर वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स यूज करें जो सभी लोगों को पता है, ऐसे वर्ड्स नहीं जो हमें एकदम हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से लेकर आए हैं. बस सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी हम लोग ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लेते हैं ना, वैसा नहीं करना है. ऐसे शब्द यूज करो जो कि और भी लोगों को पता हो. इससे क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट इज जैरगन. अब जैरगन क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लोगे मेरे साथ. जैरगन एक ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज होता है, जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होता है.
लैंग्वेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड. जार्गन का मतलब है, सपोज आप भी लॉ पढ़ रहे हो, मैं भी लॉ पढ़ रही हूँ, ठीक है. तो अगर मैं आपको बोलूँ दिस इज अल्ट्रा वायर्स, तो आप बोलोगे दीदी अल्ट्रा वायर्स का मतलब तो है कि बियॉन्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी के बाहर का. आपको समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया, क्योंकि हम दोनों को अल्ट्रा वायर्स का मतलब पता है. यस. लेकिन अगर आप आपके साइंस वाले मॉडर्न फ्रेंड को कहोगे या साइंस वाली किसी को कहोगे, तो क्या उनको अल्ट्रा वायर्स का मतलब समझेगा? नहीं समझेगा. क्यों? क्योंकि वो ये फील्ड के ही नहीं है, उन्हें लॉ कैसे समझेगा? वो अपने बड़े बड़े बायोलॉजी और फिजिक्स के शब्द आपके साथ यूज करना चालू कर दे, आप बोलोगे दीदी क्या क्या चल रहा है. यस. तो ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेड, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जार्गन. आई होप आपको समझ आया. थैंक यू केपॉप साइट 2. नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लरस वर्ड्स और वर्ड्स ऑफ वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस समझाने के लिए आप चार पांच वर्ड्स यूज कर लेते हो. सपोज मुझे आपको बोलना है यू गाइज आर अमेजिंग, तो पता है मैं क्या बोलती हूँ? यू गाइज आर अमेजिंग, फैबुलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, मिराकुलस, फैबुलस, वंडरफुल, और चार पांच और एडजेक्टिव्स यूज कर लेती हूँ. आप बोलोगे दीदी इतना सारा बोलने की क्या जरूरत है, चुपचाप से बोल दो ना यू ऑल आर आउटस्टैंडिंग, हो गया, हम समझ जाएंगे. अमेजिंग भी, वंडरफुल भी, आउटस्टैंडिंग भी, फिर और क्या क्या, फैबुलस भी. दीदी सबका सेम ही मतलब होता है, एक वर्ड भी यूज करोगे तो समझ आ जाएगा कि हम बेस्ट है. यस यस. सो अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड्स, बहुत एक्सेसिव वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है. ये यूजुअली लोगों का एक कॉमन वीकनेस होता है. नेक्स्ट इज चूज शॉर्ट वर्ड्स, क्योंकि शॉर्ट वर्ड्स ज्यादा बेहतर होते हैं समझने के लिए लॉन्ग वर्ड्स से. अगर मैं कहूँ लेजी, आप ऐसे ही समझ जाओगे. लेकिन अगर वही मैं कहूँ प्रोकैसिनेशन, प्रोकैसिनेशन, आप बोलोगे दीदी क्या है ये. यस. सो चूज शॉर्ट वर्ड्स ऑलवेज. ओके. नेक्स्ट इज सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग. सपोज आपको बोलना है कि ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस का है, तो आप उसको सॉफ्ट नहीं बोल सकते हो, आपको उसको स्मूथ ही बोलना पड़ेगा, ज्यादा प्रिसाइज समझ आएगा. यस यस. क्योंकि दो वर्ड्स के सेम थोड़े थोड़े मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या लगेगा, प्रिसाइज क्या होगा, ये हमें सोचकर वो यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल फ्यूअर एंड लेस मीन्स द सेम, लेकिन फ्यूअर का मतलब होता है क्वांटिटी में कि कुछ ही आए, और लेस का मतलब होता है जितना था उससे कम है. लेस का मतलब कम होता है, फ्यूअर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग में से कुछ ही लोग, कुछ ही जो हम बोलते हैं, दैट इज फ्यूअर, कुछ ही, फ्यूअर. लेस मतलब कम, कम और कुछ ही, दोनों में फर्क है ना. तो आपको प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने हैं. एंड द लास्ट इज यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स. अब इसको आप 3 स्टार मार्क कर दोगे, अभी के अभी 3 स्टार मार्क कर दोगे. आजकल के जमाने में जहां पर फेमिनिज्म के नारे लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने हैं. जैसे अगर मैं आपको कहूँ दैट आई एम द चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन, चेयरमैन. हमें ये जो शब्द है ये सुनकर ही क्या लगता है कि ये तो पक्का से कोई मेल होगा, क्योंकि क्या लिखा है, चेयरमैन लिखा है. यस. अगर वही मैं लिख दूँ चेयर वुमेन, मुझे क्या लगेगा, ऑफ कोर्स दीदी चेयर वुमेन का मतलब है कोई फीमेल होगा. यस. कोई फीमेल होगा. यस. लेकिन अगर मैं कहूं चेयर
पर्सन. चेयर पर्सन का क्या मतलब है? मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. यस तो आपने ऐसे शब्द यूज करने हैं जो जेंडर न्यूट्रल है, जिससे पता ना चले कि मैन है या वुमेन है. यस सो दैट किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि ये ज्यादा सुपीरियर है ऐसा ना लगे. यस क्या आपको समझ आया? डन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. इसके बाद बस हम दो तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड देन वी बी डन. बहुत ही इजी है. अब यहाँ से आपको मजा आएगी. सो आर यू रेडी? क्योंकि इसमें अभी आपका भी पार्टिसिपेशन रहेगा. आर यू रेडी? जल्दी से एक बार मुझे गुड टू गो करके बता देंगे. कम ऑन क्विकली एवरीबॉडी. गुड टू गो? यस ओके ओके. तो अब आ जाते हैं एक्चुअल वोकैबुलरी के ऊपर. दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिनोनिम. सिनोनिम का क्या मतलब होता है? सिनोनिम मतलब ऐसे शब्द जिसका काफी सेम मीनिंग होता है, काफी सिमिलर मीनिंग होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सिनोनिम कहा जाता है. उसे क्या कहा जाता है? ऐसे दो शब्द जिसका कहीं ना कहीं सिमिलर मतलब है. एग्जाम्पल दू? एग्जाम्पल है इजी एंड सिंपल. ये बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है. दोनों का भी कहीं ना कहीं सेम मतलब है. यस यस. अभी बफर नहीं होगा. ऑल राइट. सिनोनिम मतलब ऐसे शब्द जिसका नियरली सेम मतलब होता है. अभी नहीं होगा बफर, पक्का पक्का से. समानार्थी शब्द. यस प्रशांत, एब्सोल्युटली. इसे समानार्थी शब्द कहे जाते हैं हिंदी में. यस व्हेन आई से, क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ. आई विल टेक द एग्जांपल difficult and hard. क्या ये दोनों भी synonyms हैं? Yes, yes. लेकिन हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि कभी भी दो शब्द ऐसे नहीं हो सकते जिसका exactly same मतलब हो. कभी भी ऐसे दो शब्द नहीं होते जिसका exactly same मतलब हो. हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा. दीज वर्ड्स आर नियरली सिमिलर. ये एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं. यस ओके ओके. जैसे कि गुड एंड फाइन, सरप्लस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन. वेरी गुड एग्जाम्पल्स यू गाइस, वेरी गुड एग्जाम्पल्स. अमेजिंग. डिफिकल्ट एंड हार्ड, स्मूथ एंड सॉफ्ट. Yes, or examples. Come on, you guys. Nice and good. Yes. Goal or accomplish. Healthy and wholesome. Yes. Dull and stupid. These are also the example. Deficit and loss, courage and confidence, clean and clear, cute and pretty. Okay, okay. Prosperous and flourishing, prosper and flourish.
ये भी क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं. यस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज एंटोनिम. एंटोनिम का मतलब होता है एक शब्द से एग्जैक्टली ऑपोजिट शब्द, एग्जैक्टली ऑपोजिट, विरुद्धार्थी जिसको बोलते हैं, आई थिंक समानार्थी एंड विरुद्धार्थी, आई गेस, या आई डोंट नो इफ इट्स प्रोनाउंस समथिंग एल्स. अब कॉन्ट्रास्ट मतलब पूरा का पूरा एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स. सपोज अगर मैं बोलूँ सॉफ्ट तो आप क्या बोलोगे, हार्ड. अगर मैं बोलूँ स्मूथ आप बोलोगे रफ. यस, अगर मैं बोलूँ गुड आप बोलोगे बैड. अगर मैं बोलूँ लाइट आप बोलोगे डार्क. यस यस, क्या आपको समझ आया? ओल्ड एंड न्यू, वेरी गुड. ओरल एंड रिटन, वेरी गुड. ब्यूटीफुल एंड अगली. क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड. अलाइव डेड. डार्क लाइट. क्विक स्लो. एडवांटेज डिसएडवांटेज. यस नो. पीस वॉर. ऑपोजिट वर्ड्स काफी इजी होते हैं, है ना? ऑपोजिट वर्ड्स आर रियली इजी. ओके, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आई होप आपको ऑपोजिट वर्ड समझ में आ गए. वैसे इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी. क्या दीदी यहाँ पर जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हमें देने हैं क्या हमें सारे ही पढ़ने हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन अगर आपको आपकी जो वोकैबुलरी है उसको एनहेंस करना है तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई वंस एंड रीड इट ऑन योर ओन. लेकिन सारी लर्न करने की जरूरत है क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट. Now, okay, बहुत सारे अच्छे अच्छे examples दे दिए आपने. Now, let's move forward to the next topic, that is homophones. Homophones के बाद हम homonyms करेंगे, then we'll be done. चलेगा? देखो, भले ही मैंने आपको बोला था 10 बजे तक बिठाऊंगी, लेकिन नहीं बिठा रही हूँ. ठीक है ना? Okay. Now, let's look at the homophones. Homophone. Homo का मतलब होता है same. होमो का क्या मतलब होता है? सेम. होमो का मतलब होता है सेम. और फोन, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड. क्योंकि जब भी हम किसी को फोन करते हैं हमें क्या सुनाई देता है? सामने वाले का साउंड सुनाई देता है. सो होमोफोन, सेम साउंड करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? हम होमोफोन्स कहते हैं. यस, ये ऐसे शब्द होते हैं. क्या आप मेरे साथ यहाँ लिख लोगे एक बार? होमोफोन्स ये ऐसे शब्द होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन इनका स्पेलिंग अलग अलग होता है, इनका मतलब अलग अलग होता है. यस, ये सिर्फ साउंड सेम करते हैं, थोड़े थोड़े सेम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस और एक्सेस. एक्सेस का मतलब है मुझे ये चीज का एक्सेस दिया गया है, मुझे ये लाउंज का एक्सेस दिया गया है, मुझे ये एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस दिया हुआ है. एक्सेस का मतलब है मैं वहां जा सकती हूँ. एक्सेस, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा है ये मेरे पास. आई हैव एक्सेस हैप्पीनेस. यस, एक्सेस का मतलब है बहुत सारा है मेरे पास. आई हैव एक्सेस मनी, बहुत सारा है मेरे पास. दिस इज जस्ट अ जोक. आई एम अ वेरी यू नो सिंपल गर्ल, वेरी डिसेंट गर्ल. ओके, इसे क्या कहा जाता है? इसे होमोफोन कहा जाता है. क्या इनके जो साउंड है ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं? यस, एक्सेस एक्सेस. लेकिन क्या इनका स्पेलिंग सेम है? कतई नहीं, कभी भी नहीं. क्या इनका मीनिंग सेम है? नो. तो होमोफोन्स ये ऐसे दो अलग अलग शब्द होते हैं जिनका जो साउंड है जब हम वो साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड थोड़ा सिमिलर आता है लेकिन दोनों ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं. जैसे कि एट और एट. एट मतलब खाना खा लिया और एट मतलब जो नंबर एट होता है जो सेवन के बाद आता है, दैट एट. यस, और एक होता है सी. सी मतलब देखना और दूसरा सी होता है मतलब जो समंदर है उसे भी क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है. एस ई ए और एस डबल ई. क्या आपको समझ आया? यस यस. होमोफोन्स, होमोफोन,
होमो का मतलब है सेम और फोन का मतलब है साउंड. तो बेसिकली आप क्या मेरे साथ यहां लिख लोगे, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे दो शब्द होते हैं, दो अलग अलग शब्द होते हैं, ये ऐसे दो अलग शब्द होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, सेम साउंड करते हैं, लेकिन लेकिन इनका स्पेलिंग अलग होता है, इनका स्पेलिंग अलग होता है एंड इनका मीनिंग भी अलग होता है. यस, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप मेरे साथ एक एग्जाम्पल भी लिख लोगे, 8, EIGHT 8, ये दोनों भी अलग अलग हैं. यस, क्या आप सभी ने लिख लिया, क्या आप सभी को समझ में आया? यस यू गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स. यस, आर वी डन, आर वी गुड टू गो, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके ओके. बेयर और बियर, बेयर का मतलब होता है खुला हुआ, बेयर का मतलब होता है जो टेडी बेयर वाला बेयर होता है, दैट. सेल, सेल, सेल मतलब कि एक छोटा सा एक एरिया, और सेल मतलब हमने ये बेच दिया. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज होमोनिम. होमोनिम, अब जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज होमोनिम. होमो का मतलब क्या है जल्दी से बता दो. होमो का मतलब है सेम और निम का मतलब है नाम. ये सेम नेम वाले शब्द है. क्या आप मेरे साथ फिर से एक बार हिंदी में लिख दोगे ताकि आपको समझ आ जाए और याद भी रह जाए? ये सेम नेम वाले शब्द है, एक ही वर्ड जिसका अलग अलग मतलब होता है, जिसका नहीं, जिसके, जिसके दो अलग अलग मतलब होते हैं. सेम नेम, होमोनिम मतलब सेम नेम वाले शब्द, मतलब एक ही स्पेलिंग है, एक ही शब्द है, लेकिन ये एक ही शब्द के दो अलग अलग मतलब है. सपोज मैं आपको बोलती हूं आई लाइक बैट्स, एक एग्जाम्पल आप यहां पर लिख लोगे इसके बाद, BAT बैट. अब आप मुझे बताओगे कि मैं कौन से वाले बैट की बात कर रही हूं? क्या आप मुझे बताओगे कि मैं कौन से वाले बैट की बात कर रही हूं? जल्दी से, बैट बॉल वाला बैट, या क्या मैं बैट बॉल वाले बैट की बात कर रही हूं? नो यू गाइस, मैं तो चमगादड़ की बात कर रही थी. आपको क्या लगा क्रिकेट वाला बैट बोल रही हूं? ना ना, मैं तो चमगादड़ वाला बैट बोल रही थी. ओके ओके, तो क्या आपको समझ आया? यस, मुझे क्या पसंद है, मुझे चमगादड़ बहुत पसंद है. ठीक है,
तो शब्द बेसिकली एक ही था, लेकिन दोनों का ही मतलब क्या था? अलग अलग था. दोनों का ही मतलब क्या था? अलग अलग था. जस्ट वन सेकेंड यू गाइस, शायद ये बफर हो रहा है. जस्ट वन सेकेंड, गिव मी जस्ट वन सेकेंड. क्या आपको समझ में आया? यस, जस्ट वन सेकेंड यू गाइस. ओके 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 ओके, चलिए ठीक है. अभी बफर नहीं हो गया, अभी बफर नहीं होगा. अभी बफर नहीं होगा बाबा. चलिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं होमोनिम क्या है? होमोनिम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से? ये सेम नेम वाले शब्द है, एक ही वर्ड है जिसके दो अलग अलग मतलब होते हैं. जैसे कि बैट, बैट मतलब आप बोल रहे हो क्रिकेट वाला बैट, लेकिन मैं तो आपको चमगादड़ बोल रही थी. यस और नो? और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि राइट और राइट. राइट मतलब सही बात है और राइट मतलब ये राइट. यस यस. लाइट एंड लाइट एक ही शब्द. मीन एंड मीन. मैच एंड मैच. मैच मतलब ये चीज मैच हो गई, एंड मैच का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, वो वाला भी मैच होता है. तो सिमिलर स्पेलिंग है बट डिफरेंट मीनिंग है. अभी गाइस क्लियर? यस यस. सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग. Yes, you guys, absolutely. क्या आपने मेरे साथ साथ यहाँ पर ये लिख लिया था? Yes, okay, okay, done. अब last आ जाते हैं single word for group of words. जब हमें बहुत सारे शब्दों को एक ही शब्द से रिप्लेस करना होता है तब हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि अगर मुझे आपको ये बोलना है कि मैं ना मेरे काम को इतना टालती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, तो उसके जगह पता है मैं क्या बोलती हूँ? आई एम अ प्रोकैसिनेटर. उसके जगह मैं बोलती हूँ आई एम अ प्रोकैसिनेटर. ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस मैं बोल रही थी, यार मैं ना मेरे कामों को बहुत ज्यादा टालने लग गई हूँ, इसके जगह मैं ये बोल देती हूँ आई एम अ प्रोकैसिनेटर. जितने भी वर्ड्स मैंने अभी यूज किए उससे सिर्फ एक ही वर्ड से हमने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया. सपोज अगर ऐसा कोई कुरियर है जो आपने ऑर्डर किया है, जो कि बहुत ही डेलिकेट टाइप का है, जो बहुत इजीली टूट सकता है, तो हमें ऐसा बोलना है नहीं नहीं इसको आप ध्यान से लाना, ये बहुत हैंडल विद केयर है, बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा. तो आप क्या बोलते हो? आप ऐसे बोलते हो कि ये बहुत फ्रिजाइल है. इतने सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे इससे आपने किसको रिप्लेस कर दिया? आपने एक ही शब्द से रिप्लेस कर दिया, दैट इज फ्रिजाइल. यस, तो बस यही ऐसे कुछ सिंगल वर्ड्स आपको दिए हैं यहाँ पर. ये आपको लर्न करने की जरूरत है क्या? नो. यस, एंड विद दिस वी आर डन फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आया, आई होप आपको मजा आई, एंड ऑफ कोर्स आज तो एक सॉन्ग बनता ही है. सो आई स्टार्ट ऑफ हियर, बट आई जस्ट होप वी आर गुड टू गो. यहाँ तक आपको समझ आया है? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. मेरे ख्यालों से तेरे ख्यालों तक मेरा तो है आना जाना, मेरा तो जो भी है तू ही था तू ही है, बाकी जहाँ है बेगाना. मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी,
All right, you guys, thank you so much for joining in. Have a very good night ahead. See you tomorrow for the last class. Yes, I hope aaj ki class mein aapko maza aayi hogi. Don't forget to like the video and leave a pyari pyari comment of yours, because it means a lot to us. Bye bye, take care, outro.